सो फाइनली दोस्तों रॉयल इनफील्ड कंपनी ने जो है अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 को जो है 2023 में न्यू मॉडल के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसमें कंपनी ने जो है 3 वेरिएंट के साथ इसको लॉन्च किया है। तो पहला वेरिएंट आपको मिलता है मिलिट्री वेरिएंट, जहाँ पर इसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मिलिट्री रेड और मिलिट्री ब्लैक। यहाँ पर आपको सिंगल डोन का सॉलिड कलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिंगल चैनल का एबीएस दिया हुआ है और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। और इसमें आपको दूसरा वेरिएंट भी मिलता है जो को स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, उसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड मरून और स्टैंडर्ड ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। और ये ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आती है, इसमें आपको रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको हैंड पेंटेड कलर देखने को मिल जाता है। और क्रोम के पार्ट आपको इसमें थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ड्यूल टोल कलर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो इसका तीसरा वेरिएंट है वो ब्लैक गोल्ड है, इसमें सिर्फ आपको एक ही कलर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो ब्लैक पार्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और ये भी ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आती है, इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है और 3D की बैजिंग भी यहाँ पर लगी हुई है। तो तीनों वेरिएंट में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें जेब प्लेटफॉर्म वाले इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें आपको 350cc का इंजन मिलता है। इसका इंजन 6100 RPM पर 20.2 BHP की पावर देगा, जबकि 4000 RPM पर 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल दोनों को ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें हैलोजन का हेडलैम्प सेटअप और इसमें आपको मीटर कंसोल जो है डिजिटल प्लस एनालॉग देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको नए स्विच गियर दिए हुए जो कि मीटियोर 650 में आते हैं। तो ये सारे चेंजेस किए हुए हैं बुलेट क्लासिक 350 में। तो इसकी प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो जो हंटर 350 आती है उससे थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो मिलिट्री वेरिएंट आता है उसकी दिल्ली एक शोरूम प्राइस आपको मिलने वाली 173,562 रुपीज़ के करीब, जिसकी ऑन रोड प्राइस आपको 198,600 रुपीज़ के करीब चली जाती है। और इसका जो मिड वेरिएंट है यानी कि स्टैंडर्ड 350, इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 197,436 रुपीज़ की देखने को मिलने वाली है। और इसका जो टॉप मॉडल है उसकी प्राइस आपको यानी कि 350 ब्लैक एडिशन की, उसकी प्राइस आपको दिल्ली एक शोरूम में 215,801 रुपये के करीब देखने को मिलने वाली है। तो बुलेट 350 जो है आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी आपको महंगी ज़रूर लगेगी, बट काफ़ी सारे इसमें बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से आपको इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बुलेट 350 का न्यू जनरेशन मॉडल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। फिलहाल वीडियो को यही एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें।